इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करने से पहले क्या है पोटेंशियल, इसको डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। आप कहेंगे ये क्वांटिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी जो बताती थी चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट है, आप एक पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टूवर्ड्स राइट, और नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज की डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास दो तरीके, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्केलर फॉर्म में पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल भी हमें बताता है, अगर आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट पर हाई पोटेंशियल है, एक पॉइंट पर लो पोटेंशियल है, आप वायर से ज्वाइन करते दोनों पॉइंट्स को, तो चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, ये रूल है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के दो तरीके हैं, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्केलर फॉर्म में पोटेंशियल है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ डेफिनेशन बताई थी, मैंने कुछ ऐसा बताया था डेफिनेशन में कि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ें तो हमारे पास सबसे पहली टर्म आएगी पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमारे पास आएगा पोटेंशियल पोटेंशियल, और फिर हमारे पास आएगा पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी बहुत सिंपल, आपके पास Q1 चार्ज, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इस फील्ड के बाहर जाएं इनफाइनाइट डिस्टेंस Q2, आप इस चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आएं यहाँ पे सच दैट ये डिस्टेंस कितना है R, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर आप बात करते हैं पोटेंशियल की, तो अगर ये चार्ज है Q1, आप इन्फिनिटी पे जाएं, Q2 चार्ज को यहाँ से यहाँ पे रखें एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो सबसे पहले क्या निकालेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकलेगा, जिसको एनर्जी भी बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चार्ज Q2 को उठा के रखने का अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो Q2 चार्ज को उठा के रखने का वर्क डन जो भी होगा, और अगर मैं कहूँ Q2 चार्ज नहीं है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू पर यूनिट चार्ज क्या आएगी, वर्क डन अपॉन चार्ज Q2। क्लियर यहां तक? तो इस डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक। तो इसके यूनिट क्या है, जूल, इसके यूनिट क्या है, जूल पर कूलम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो क्या डिफरेंस है, दोनों में अमाउंट ऑफ वर्क डन ही कैलकुलेट हो रहा है, एक में Q2 चार्ज का अमाउंट ऑफ वर्क डन है, एक में यूनिट पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो एक जूल में कैलकुलेट हो रहा है और एक जूल पर कूल में कैलकुलेट हो रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ नहीं है, ये आपके पास एक चार्ज है Q1, आप एक Q2 चार्ज को लेके आए हैं, सपोज बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट पे लेके जा रहे हैं इस Q2 चार्ज को, ठीक। तो कोई मुझे ये बताएगा कि अगर मैं ये एज्यूम करूं कि Q2 चार्ज बी पॉइंट पे बाय डिफॉल्ट पड़ा नहीं हुआ था, मैं इसको पहले इन्फिनिटी से लेके आया था, तो मुझे कुछ वर्कडन करना पड़ा, फिर मैं Q2, फिर मान लो जो भी अमाउंट ऑफ वर्कडन आया वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, फिर इमेजिन करो कि उस Q2 चार्ज को उठा के मैं इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे रखता हूँ, बी से ए नहीं रखता, इन्फिनिटी से ए पे रखता हूँ, तो उसका भी अमाउंट ऑफ वर्कडन आएगा। तो कोई मुझे बताएगा कि अगर मैंने बी पॉइंट पे इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक, इन्फिनिटी से लेके बी पॉइंट तक चार्ज को रखा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन आया WB। अगर मैंने इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक के चार्ज को रखा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन आया WA। इनको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो कोई मुझे ये बताएगा कि इनके डिफरेंस को क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इसके यूनिट्स क्या होंगे, जूल्स, पोटेंशियल ना, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं, अभी तो पोटेंशियल की बात ही नहीं हुई, मैं तो वर्क डन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने इमेजिन करो वर्क डन, मान लो इन्फिनिटी से बी पे एक चार्ज को रखता हूँ तो मेरा वर्क डन 8 जूल है, इन्फिनिटी से ए पे रखता हूँ तो मेरा वर्क डन 10 जूल है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो क्या आएगा, 2 जूल। तो ये क्या आएगा, डिफरेंस इन वर्क डन
या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, एक ही बात है, तो बी से ए का वर्क डन क्या होगा, सिर्फ 2 जूल होगा, क्योंकि मैंने कैसे किया, शुरू से लेके बी का वर्क डन निकाला, शुरू से लेके ए का वर्क डन निकाला, दोनों को मैंने माइनस किया तो बी से ए का वर्क डन आ गया। तो ये समझ में आ रहा है, इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि चलो ये तो वैसे पूछ रहा था मैं, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि जो भी मैं वर्क डन निकालूँ बी से ए, तो क्यू टू अमाउंट ऑफ चार्ज को जब मैं रखूँगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, डब्ल्यू बी ए, और अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई कितना, क्यू टू। इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, जो फाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट के बीच में जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, नॉट क्यू टू, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, इसको बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। तो सिंपल है, इन्फिनिटी से क्यू टू चार्ज को लेके आए अमाउंट ऑफ वर्क डन को एनर्जी, इन्फिनिटी से प्लस वन चार्ज लेके आए यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज को पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल की डेफिनेशन इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही चलती हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में इन्फिनिटी नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आता है, बी पॉइंट से ए पॉइंट का वर्क डन है अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल का डिफरेंस। ये हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है यहाँ तक। फिर हमने ये किया कि चलो इसको डराइव करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग ही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो बड़ा सिंपल रूल किया, ये मेरे पास चार्ज है क्यू वन, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चार्ज है क्यू टू, मैं इसको उठा के आर डिस्टेंस पे लेके आया, जब मैं ला रहा था तो क्यू वन ने क्यू टू को रिपेल किया, फोर्स इस तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन मैंने कैलकुलेट किया, इसकी लिमिट लगाई अमाउंट ऑफ वर्क डन की इन्फिनिटी से आर, तो क्योंकि मैं चार्ज को इन्फिनिटी से आर पे लेके आ रहा हूँ, तो मैंने इंटीग्रेट किया तो मेरे पास ये टर्म आई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक ही बात है। ये हमने अपने फॉर्मूला रजिस्टर में लास्ट टाइम नोट भी किया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में सारा कुछ सेम है, सिर्फ लिमिट का फर्क है, इन्फिनिटी से आर की जगह लिमिट लगाई थी आर ए से आर बी, क्योंकि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर किसी भी चार्ज को लेके आ रहे हो क्यू टू, तो आपने आर ए से आर बी किया तो आपका वर्क डन ये आया, ये आर ए से आर बी का वर्क डन बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन आपको अगर जिस चार्ज को उठा के लेके आना है क्यू टू उसको यहाँ पे ले आए तो ये क्या आ गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और अगर आप पोटेंशियल की डेफिनेशन देखें तो पोटेंशियल में सेम चीज़ है, पोटेंशियल के अंदर हमने लिमिट लगाई थी इन्फिनिटी से आर, क्योंकि पोटेंशियल भी इन्फिनिटी से आर चलता है, तो ये हमारे पास पहले एनर्जी आई थी, फिर कितने चार्ज को उठा के ले आए Q2, तो Q2 को नीचे लेके आए तो वर्क डन अपॉन चार्ज Q2 को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ऐसा हमने लास्ट टाइम किया था, और ये भी नोट किया था कि अगर आज के बाद Q1 चार्ज है और मुझे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो मुझे Q2 पॉइंट को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Q2 पहले लो, फिर वर्क डन अपॉन Q2 से डिवाइड करके Q2 को काटो, इट्स बेटर जहां आपको वर्क डन निकालना है वहां चार्ज प्लस वन रख दो, तो जहां आपने पोटेंशियल निकालना है सॉरी वहां चार्ज प्लस वन रख दो, पड़ोस का चार्ज इस पे पोटेंशियल लगाएगा ये खुद नहीं लगाएगा, कितना लगाएगा फॉर्मूला याद कर लो, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई R। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर मान लो Q1 चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत सिंपल तरीके से ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि Q1 चार्ज ने B पॉइंट पर ये पोटेंशियल लगाया और Q1 चार्ज ने A पॉइंट पर ये पोटेंशियल लगाया, ये पोटेंशियल बड़ा होगा, इसका डिनोमिनेटर क्योंकि छोटा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बड़े में से छोटा पोटेंशियल माइनस करके पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी कैलकुलेटेड। ऐसा हमने लास्ट टाइम शायद डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक ऐसा ही था। अब हम शुरू करते हैं पोटेंशियल निकलेगा कैसे।